गंगा नदी को भारत की नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है। यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। मरने के बाद लोग गंगा में अस्थि विसर्जन करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा भी रखते हैं। एक बार एक ऋषि के मन में विचार आया कि सब लोग गंगा नदी में अपने पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि सारे पाप गंगा नदी में समा रहे हैं और गंगा भी पापी हो गई है। इस बारे में उन्होंने काफी लोगों से विचार विमर्श किया, लेकिन उन्हें कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अब यह जानने के लिए कि गंगा में धुले हुए पाप कहाँ जाते हैं, उन्होंने भगवान की घोर तपस्या करी। तपस्या करने के फलस्वरूप भगवान प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि हे भगवत, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है? भगवान ने कहा कि चलो गंगा से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा कि हे गंगे, सब लोग आप में स्नान करके अपने पाप धुलते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वे दोनों समुद्र के पास गए और कहा, हे सागर, गंगा सारे पाप लाकर आपको अर्पित कर देती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को भाप में बदलकर बादल बना देता हूँ। अब वे लोग बादल के पास गए और कहा, हे बादल, समुद्र पापों को भाप में बदलकर बादल बना देते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप पापी हैं। बादल ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को पानी के रूप में बरसाकर वापस धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है जिसको मानव खाता है। उस अन्न को जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस तरह की कमाई से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के अनुसार मानव की मानसिकता बनती है और वैसे ही उसके विचार बन जाते हैं। इसलिए हमेशा भोजन सिमरन और शांत अवस्था में करना चाहिए और ध्यान रहे कि खाने वाला अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन मेहनत और ईमानदारी का होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, दुराचार से या किसी को सताकर या किसी भी आपदा काल में किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर कमाए गए धन से यदि आप अपने परिवार का पालन करते हैं, तो वह परिवार की बुद्धि भ्रष्ट ही करता है। उससे जो सुख मिल रहा है वह तो केवल क्षणिक मात्र है, किंतु लंबे समय में वह दुख का कारण बनता है। यदि आपके सामने गलत तरीके से पैसा कमाकर कोई भी फल फूल रहा है, तो यह जान लीजिए कि वे उसके पूर्व जन्म के संचित पुण्य हैं, जिनको वो निगल रहा है, भोग रहा है। जैसे ही पुण्य कर्म समाप्त होंगे उसके बुरे दिन आरंभ हो जाएंगे। इसलिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई से ही अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कीजिए, वरना गंगा में धुले सारे पाप आप पर और आपके परिवार पर आ जाएंगे।